Welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the poem number 1, My Mother at 66. Today, we are going to learn lesson number 1, which is the last lesson and written by Alphonse Daudet. Right? First of all, we need to understand about the author. Right? Who was Alphonse Daudet? So, Alphonse was a French novelist. Right? If you see his life duration, From 1840 to 1897, तकरीबन 57 साल के थे भाई, 57 साल की उनकी ज़िंदगी थी. He was a short story writer, छोटी छोटी stories लिखा करते थे. The last lesson is a set in the days of Franco-Prussian war, from 1870 to 1871, जो war हुआ था French और Prussia के बीच में, right? जिसमें French was defeated by Prussia. राइट, फ्रेंच को जो है डिफीट किया गया था किसके द्वारा? प्रूशिया के द्वारा, लेड बाय बिस्मार्क, जो किसकी थी? जर्मनी की थी. राइट, जर्मन लोग थे और उन्होंने फ्रांस को जो है हराया था उस टाइम पे. प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. राइट, प्रूशिया जो है उस टाइम पे किसका कहा जा सके नेशन हुआ करता था? तीन इकट्ठा देश थे, जैसे जर्मनी था, पोलैंड था और ऑस्ट्रिया था. लेकिन अभी जो है ये तीनों देश अगर आप देखो तो अलग अलग दिखते हैं. राइट, लेकिन पहले ये तीनों देश मिलकर जो है एक अलग प्रूशिया जो है उन्होंने बनाया था उस टाइम पे. फिर वहाँ से धीरे 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 करके जो है डिस्क्रिमिनेशन होता गया, पार्ट बनते गए, जर्मनी एक अलग देश बन गया, पोलैंड अलग बन गया और ऑस्ट्रिया भी अलग हो गया. राइट, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द प्रूशियन हैंड्स. अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही फ्रांस जो है हार गया था, राइट, तब उसके बाद जो फ्रांस के दो हिस्से थे, दो डिस्ट्रिक्ट थे, दो जिले थे, जिसमें से एक का नाम था एल्सेस और दूसरे का नाम था लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो थे वो किसके हाथों में सौंप दिए गए थे? प्रूशियन हैंड्स में. राइट, प्रूशियन हैंड्स में जो है सौंप दिए गए थे. अब हुआ क्या है वहाँ पर, क्या समझा रहे हैं इसमें ऑथर इस समरी के द्वारा? राइट, कि जब हमसे कोई हमारी लैंग्वेज छीन ले, जो सबसे बेसिक चीज़ है, तो क्या फील करता है इंसान, वो इसमें जो है क्लियरली समझाया गया है. समरी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इसमें जो है आपको आपकी लैंग्वेज जो रहती है, मदर टंग जो रहती है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया गया है. हुआ है इसमें इस तरीके से कि जैसे ही फ्रांस जो है हार जाता है, तो उनके जो दो जिले हैं एल्सेस और लॉरेन, वो प्रूशिया के हाथ में चले जाते हैं. और जैसे ही प्रूशिया के हाथ में चले जाते हैं, तो उस दिन से वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज जो है फ्रांस की, वो जो है पढ़ाना बंद कर दी जाती है. और जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को जो है क्या सिखाई जाती है? जर्मन लैंग्वेज. और उनके तरीके से ही जो है रहना सहना जो है उनको सिखाया जाता है. तो यहाँ पर एक टीचर है, राइट, एम हैमल करके, राइट, एक टीचर का नाम है, कैरेक्टर देख लो, एम हैमल करके जो है वो टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं. उनका स्टूडेंट है फ्रेंच, जो एक फ्रेंच बॉय है जो वो लैंग्वेज सीखने के लिए जाता है. राइट, तो ये स्टोरी इन दोनों के इर्द गिर्द है. क्या एम हैमल फील करते हैं और क्या फ्रेंड्स जो छोटा बॉय है वो फील करते हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है. शुरुआत कहाँ से होती है वो समझ लो. इस स्टोरी का नरेटर कौन है? तो इस स्टोरी का नरेटर है फ्रेंच, जो कि एक फ्रेंच बॉय है. राइट, ही इज़ लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले. काफ़ी लेजी है, सीखना उसे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी इमोशनल व्यक्ति है, सेंसिटिव है. उसे क्या पसंद है? खेलना बहुत पसंद है. ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हैमल. शुरुआती तौर पर क्या होता है कि फ्रेंच जो है वो काफ़ी नापसंद करता है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखना, और उसके टीचर जो एम हैमल है उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है. राइट, एक तो उसे फ्रेंच लैंग्वेज जो है पढ़ना पसंद नहीं है फ्रेंच को, और दूसरा वो अपने टीचर से भी नफरत करता है थोड़ी सी. अब टीचर से नफरत किस बात से करता है? तो सिर्फ उसी बात को लेकर कि वो जो कुछ भी सिखाते हैं वो उसे समझ नहीं आ पाता है, और इसी की वजह से कई बार जो है उसे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं टीचर के द्वारा. आफ्टर ओवर पावरिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन इन फ्रांस, बर्लिन हैज़ ऑर्डर्ड दैट जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन स्कूल्स देयर. अब यहाँ पर जैसे ही जो जर्मनी ने जो फ्रांस को जीत लिया था, फिर उसके बाद में जो एल्सेस और लॉरेन जो है फ्रांस के दो जिले उनके हाथ में दे दिए थे, तो बर्लिन जो था वहाँ से एक ऑर्डर आया. कि क्या ऑर्डर आया?
कि अब से जितने भी एल्सेस और लॉरेन की स्कूलें हैं वहाँ पर क्या सिखाई जाएगी, तो जर्मन लैंग्वेज मतलब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वहाँ से क्या कर दी गई है, एलिमिनेट कर दी गई है, राइट। इन द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हैमल, अब यहाँ पर हुआ क्या है, आखिरी दिन है फ्रेंच लैंग्वेज का, वहाँ पर आखिरी दिन है, दूसरे ही दिन जो है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज चलाई जाएगी, जर्मन, कोई भी व्यक्ति जो है दोबारा फ्रेंच लैंग्वेज जो है नहीं बोल पाएगा। तो एम हैमल जो टीचर हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और वो आखिरी दिन भी जो है कुछ ना कुछ सीख जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में देना चाहते हैं, एक कहा जा सके अबाइड टीचर की तरह जो है वो अपनी ड्यूटी जो है निभाते हैं वहाँ पर। सो इट इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर एम हैमल हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ, काफ़ी दुख है उन्हें कि फ्रांस हार गया, अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। नॉस्टैल्जिक है, नॉस्टैल्जिक मतलब जिसको पास्ट में रहना बहुत अच्छा लगता है, राइट, उसे पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पैट्रियोटिज्म, देश के लिए बहुत प्यार है उनको, फ्रांस को लेकर जो है बहुत प्यार है, साथ ही साथ में एल्सेस और लॉरेन जहाँ पर उन्होंने 40 साल तक काम किया है तो उनको उससे बहुत प्यार है, राइट। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हैंडवर्क द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। अब हुआ ये है कि एम हैमल जो है वो जगह छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है, एल्सेस और लॉरेन दोनों ही जो है वो छोड़कर वहाँ पर जा रहे हैं। अब ये उनका आखिरी लेक्चर है, तो इस आखिरी लेक्चर को रिस्पेक्ट देने के लिए जितने भी उनके स्टूडेंट हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, वो सभी लोग जो है क्या करते हैं, उनका ये लास्ट लेसन जो है वो अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं। दे आर सैड एज दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग फ्रेंच इन देयर चाइल्डहुड, और वो सभी विलेज के लोग जो हैं वो सभी इस बात से बहुत दुखी हैं कि उनकी ये मदर टंग थी, फ्रेंच जो थी वो क्या थी, उनकी मदर टंग थी, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं सीख पाए। अब यहाँ पर सीखने का मतलब क्या है, हालांकि वो बोल तो सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन एम हैमल उन्हें जो है फ्रेंच लैंग्वेज का डेप्थ नॉलेज देना चाहते थे, उन्हें जो है ग्रामेटिकल पॉइंट जो है समझाना चाहते थे, किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज का बेस्ट यूज़ किया जा सकता है वो समझाना चाहते थे, राइट। क्यों, क्योंकि देखा, अगर एम हैमल के नज़रिए से देखें तो फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो सबसे लॉजिकल लैंग्वेज मानी जाती थी, राइट। सो जितने भी विलेज के लोग हैं, अब अचानक 40 साल से वो पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकता है कभी फ्यूचर में जो है फ्रेंच लैंग्वेज दोबारा पढ़ने का मौका ना मिले। तो वो सभी लोग इस बात से दुखी हैं कि अभी तक जो है उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं और ना ही उन्होंने बचपन में वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ी। अब फ्रेंच की बात की जाए, फ्रेंच जो छोटा बच्चा है इज शॉक टू नो दैट इट्स हिज लास्ट लेसन एज ईयर डज नॉट नो फ्रेंच, है ना, कि वो उसका लास्ट लेसन है और अभी तक जो है उसने फ्रेंच लैंग्वेज को ढंग से सीखा नहीं है। तो ये सुनकर जो है उसे काफ़ी शॉक लगता है। नाउ सडनली ही गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट, अब अचानक से जब उसे पता चलता है कि आखिरी लेसन है तो उसे बहुत इंटरेस्ट आ जाता है उसे सीखने में। एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग टॉट ऑन दैट डे, और उस दिन एम हैमल जो भी सिखाते हैं वो सारी बातें जो है वो दिल से सीख लेता है, राइट। तो ये कहा जा सके एक सेंस है कि जब चीज़ें हमारे पास में होती हैं तब हमें उसकी कद्र नहीं होती, और जब वो हमारे हाथ से छूटती जाती है तब धीरे धीरे जो है हमारे अंदर कद्र बनती है। अब जब 40 साल से वहाँ पर थे एम हैमल जो पढ़ा रहे थे, हो सकता है फ्रेंड्स जो है ये 12 साल का या 15 साल का बच्चा, तो भी उसने जो है अपने पूरे काल में, अपने जीवन काल में फ्रेंच लैंग्वेज को जो है सीखने की उसने तस्दी नहीं ली यहाँ पर, राइट। और इसी वजह से जब उसे पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का, तो वो उस दिन पूरा अटेंशन देता है और पूरे दिल से जो है उसको सीखने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो फ्रेंच था उसे अपने टीचर एम हैमल से नफरत थी, लेकिन अचानक से एक इंस्टेंट लाइकिंग जो है वो उसके अंदर आ जाती है, और एक रिस्पेक्ट जो है उसकी सिंसियरिटी और हार्डवर्क को लेकर, है ना। एम हैमल के बारे में जो है वो अभी तक थोड़ी सी नफरत दिखाता था, लेकिन अचानक से जब उसे पता चलता है कि उनके ये टीचर जो हैं, उनका ये आखिरी दिन है, वो यहाँ से जाने वाले हैं, तो अचानक से जो है वो टीचर को पसंद करने लगता है, उनकी जो रिस्पेक्ट, उनके लिए जो है उसके मन में रिस्पेक्ट आ जाती है। क्यों, क्योंकि एम हैमल जो है कि पिछले 40 सालों से काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं वहाँ पर लैंग्वेज सिखाने के लिए, सिंसियरिटी, जो एक भी दिन छुट्टी नहीं रखते, राइट, इस तरीके की जो सिंसियरिटी है वो उन्हें समझा, वो उसे समझ में आती है, और उसके लिए जो है एम हैमल की जो है उसके मन में रिस्पेक्ट आती है। ही फील्स सैड एट डिपार्टिंग फ्रॉम हिम
एंड इज अशेम्ड ऑफ नॉट बींग एबल टू रिसाइट द लेसन ऑफ पार्टिसिपल, है ना। हुआ क्या है कि एम हेमल ने एक दिन पहले ही उसे जो है ग्रामर के कुछ लेसन मेमोराइज करने के लिए दिए थे, लेकिन जो जो बच्चा है फ्रेंच जो है उसे इस बात का काफ़ी दुख है कि वो जो है वो लेसन बिल्कुल भी ढंग से जो है सीख नहीं पाया है। पार्टिसिपल के जो लेसन से उसे वो भी याद नहीं, और उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से एम हेमल जो है उन सभी को कह रहे थे कि सीख लो फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन फिर भी कोई कोशिश नहीं करता था, राइट। अब वो उनसे जुदा हो रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं, राइट। तो उसे बहुत दुख जो है उसे लगता है, बहुत ही अशेम्ड फील करता है कि काफ़ी सालों से वो कोशिश कर रहे थे हमें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने की, लेकिन फिर भी कोई भी जो है उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एम हेमल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न, पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट डे। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली। अब एम हेमल जो है वो खुद भी यहाँ पर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। क्यों? पहले तो जो है वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके जो कहा जा सके गलतियाँ जो है, जितने भी विलेज मैन हैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे, उनकी गलतियों को जो है उस दोहराते हैं। किस तरीके से? क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ का इतना ईगर नहीं था कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, राइट। ईगर इनफ टू लर्न, इतना ईगर नहीं था। हर बार जो है वो क्या करते थे, अपना काम जो है वो कल पर टाल देते थे कि नेक्स्ट दिन सीख लेंगे, अगले दिन सीख लेंगे, अगले दिन सीख लेंगे। इस तरीके से एम हेमल को 40 साल बीत गए ये लैंग्वेज सिखाते सिखाते, लेकिन कोई भी जितने भी विलेज मैन थे वो कोई भी जो है उस लैंग्वेज को सीख नहीं पाते। दूसरी तरफ एम हेमल अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। क्यों अपने आप को ब्लेम करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है उन्हें सिंसियरली उस बात को सिखा नहीं पाए। अब क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि कई बार जो है एम हेमल जो है उनके जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन स्टूडेंट्स को भी जो है वो कई बार इस तरीके से कहा जा सके कोई काम दे देते थे, जैसे पौधों को पानी देना है या फिर मान लो कुएं से पानी भर के लाना है, तो इस तरीके के काम सौंप देते थे, राइट। और कई बार जब वो खुद भी बीमार होते थे एम हेमल, तो भी उन्हें छुट्टियाँ दे देते थे। इस वजह से उन्हें ऐसा फील होता था कि शायद एम हेमल खुद भी जो है वो सिंसियर नहीं थे इस बात को, इस लैंग्वेज को सिखाने में। His patriotism is reflected in his praise for French language as being the most beautiful and most logical language in the world. अब यहाँ पर नेशन के लिए उनका कितना प्यार है वो कहाँ झलकता है, तो वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो काफ़ी खूबसूरत और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज जो है इस दुनिया की मानी जाती है। He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from prisoner of slavery. ऐसा उन्हें लगता है कि फ्रेंच लैंग्वेज और अपनी मदर टंग जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा जो है सुरक्षित रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा वो एक चाबी है, एक तरीके की चाबी है गुलामी से बाहर निकलने की, राइट। प्रिजन ऑफ स्लेवरी, गुलामी के जो जंजीरें हैं उससे बाहर निकलने की एक तरीके की चाबी है, राइट। ये फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए, इट विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम दी जर्मन्स। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर फ्रेंच लैंग्वेज ये गांव वाले सीख लेते तो फ्यूचर में कभी भी अगर मान लो उन्हें आज़ादी हासिल करनी है तो ये लैंग्वेज ही उनकी मदद करती। अब अगर मान लो कल से जो है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना जो है बंद कर दिया जाए और सभी को जर्मन लैंग्वेज पढ़ा दिया जाए तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वहाँ से अलिप्त हो जाएगी, वो वहाँ से चली जाएगी, बिल्कुल जो है गाँव में कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज बोलेगा नहीं, तो जर्मन जो है और भी पावर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर एम हेमल जो है पैट्रियोटिज्म किस हिसाब से समझाते हैं, वो इन्हें ये कहते हैं कि अगर फ्रेंच लैंग्वेज को हम संभाल के रखें, उसे अच्छे से सीख के रखें, तो ये हमें आज़ादी दिलवा सकती है आगे। क्यों? क्योंकि ये एक लौती चीज़ होगी जो फ्रेंच होगी और उनके पास होगी और उन्हें वो प्रिजर्व कर रहे होंगे। दे रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग एंड दैट दे हैव बीन डिफीटेड बाय द जर्मन्स बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। अब यहाँ पर जैसे ही एम हेमल जो है लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस समझाते हैं तो जितने भी गांव वाले हैं वो सभी लोग जो है उस भाषा का मतलब, उस भाषा के जो इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर काश हमने ये हमारी मदर टंग समझ ली होती तो आज हम जो है ये कहा जा सके कि ये वॉर जो है हम हारते नहीं। अब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये फ्रेंच लोग फ्रेंच लैंग्वेज जो है नहीं छोड़ते तो शायद जो है जर्मन इतने पावर में नहीं आते, जर्मन जो है लैंग्वेज चेंज करने की बात नहीं करते, राइट। अब यहाँ पर ये जो इलिटरेसी दिखाई है वो खुद ही की लैंग्वेज को लेकर, फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर, इसी वजह से जर्मन लोग जो हैं उस लैंग्वेज को भी हटा रहे हैं, राइट, और अपने खुद की जर्मन लैंग्वेज जो है
उन लोगों पर थोप रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि जर्मन लोग ऐसा कहते हैं भाई, जर्मन लोगों का ऐसा कहना है कि अगर आपके पास में आपकी मदर टंग ही नहीं है, राइट, आप जब अपनी लैंग्वेज को ही नहीं जानते, मदर टंग जो सबसे मोस्ट नेसेसरी, जिसको माना नेसेसरी चीज़ माना जाए, आप उसी को नहीं जानते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रांस आपका है, राइट, ये फ्रांस आपका देश है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें और हमें हिंदी ही नहीं आती, तो हम कह ही नहीं सकते कि हम भारतीय हैं, राइट। इसी तरीके से उन लोगों को फ्रेंच नहीं आती थी, राइट। तो इसी वजह से जर्मन लोगों ने ये भी बात रखी, जब आपको आपकी लैंग्वेज ही नहीं आती तो काहे का फ्रांस, राइट। इसी वजह से उन्होंने जर्मन लैंग्वेज जो है उन पर थोप दी थी। अब जो फ्रेंच है वो फील करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन एज इट इज नेचुरल टू ईच बींग। सीधी सी बात है, राइट। क्यों? क्योंकि एक लैंग्वेज जो रहती है, मदर टंग जो रहती है, वो सबसे नेचुरल चीज़ रहती है किसी भी व्यक्ति के लिए, कि वो सबसे नेचुरली जो है उसको हासिल करता है। मे इट बी द कू टू द पिजन्स और फ्रेंच टू द फ्रेंच मैन, फिर चाहे वो कबूतर का कू हो, राइट, या फिर फ्रेंच मैन के लिए फ्रेंच लैंग्वेज हो। अब जैसे आप कुत्ता है तो उसको भाव भाव करना आप नहीं सिखा सकते, राइट। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, वो हमें वो नेचुरल क्वालिटी है उसकी, वो सीख कर आता है, है ना, भगवान ने उसके ऊपर वो क्वालिटी दी हुई है, राइट। सो वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है फ्रेंच। आखिर मन में उसके ये बात आती है कि क्या जर्मन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? नहीं, राइट। लेकिन वो बात जो है, जो ये ऑपरेशन जो हो रहा है, ये जो जर्मन लोग जो अपनी भाषा को फ्रेंच लोगों पर थोपना चाहते हैं, इस वजह से वो काफ़ी जो है डेप्थ फीलिंग आती है उसके अंदर, काफ़ी इमोशनल हो जाता है और ये बात जो है उसके मन से निकलती है, राइट। आखिरकार एम हेमल जो है वो शहर छोड़कर चले जाते हैं, राइट, और वो लैंग्वेज जो है वहीं पर रह जाती है, राइट। सो ये थी समरी, राइट, पूरा किस तरीके से पोर्शन इस यूनिट का रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए, राइट। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।